एक महीने बाद चुनाव होंगे और जब पानीपत ग्रामीण की गिनती खुलेगी तो यहां पर कांग्रेस का झंडा बुलंद मिलेगा और यहां से कांग्रेस की जीत होगी, ऐसा दावा कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व कांग्रेसी नेता सचिन कुंडू। और ये बातें उन्होंने कही पानीपत की महादेव कॉलोनी में पहुंचने पर। दरअसल पूर्वांचल समाज द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सचिन कुंडू का समर्थन और धन्यवाद किया गया। इस मौके पर सचिन कुंडू का जोरदार स्वागत भी हुआ तो वहीं पूर्वांचल समाज से जुड़े सभी लोगों ने जहां एक तरफ सचिन कुंडू का समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन किया, तो साथ ही सचिन कुंडू ने क्या कुछ कहा इस मौके पर वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, लोगों में बहुत भारी विरोध है भाजपा के प्रति, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी झूठ बोल के ये लोग सत्ता में आए उस तरीके से इन्होंने काम नहीं किए। मैं कॉलोनियों में जा रहा हूँ लगातार, मैं देख रहा हूँ आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, कोई कॉलोनियों में काम नहीं हुआ। विधायक जी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, अब तो मंत्री जी भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश के भ्रमण को छोड़िए और जिस घर की आपको जिम्मेदारी दी गई थी उस घर को संभालिए। देखिए, आपने कॉलोनी वासियों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर रखा है, लोगों का बुरा हाल हुआ पड़ा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सफाई है, ना सड़कें हैं, ना सीवरेज है, बहुत बुरा हाल है। अब तो लोग इंतजार कर रहे हैं, एक महीने के बाद चुनाव होगा और आप देखोगे पानीपत ग्रामीण की जब गिनती खुलेगी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद मिलेगा और प्रदेश में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें आपको पानीपत ग्रामीण की भागीदारी दिखाई देगी। देखिए, मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में और उस तरीके के हम लोगों से अगर परमात्मा ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, तो सबसे पहले जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को साफ़ सुथरी गलियां मिले, साफ़ सुथरा पानी मिले, साफ़ सुथरे सीवरेज मिले, बढ़िया डिस्पेंसरियां कॉलोनियों में हो, बढ़िया सरकारी स्कूल हो, पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी हो नौजवानों के लिए, मैं नौजवान हूँ तो नौजवानों के लिए बढ़िया विश्वविद्यालय हो, हमारी बहनें हमारे बच्चे उसमें पढ़ सकें, चाहे नौकरी रोजगार की बात है, नौजवानों के जो इन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर वन हरियाणा को बना दिया, पानीपत इंडस्ट्री का हब है। हुड्डा साहब से और कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट करके कोई बढ़िया इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सके। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए कुछ विशेष? बिल्कुल, देखो घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, घर का चूल्हा चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जहाँ तक आप देखते हो आज, जब 14 में कांग्रेस की सरकार गई 400 रुपये का गैस का सिलेंडर था, आज वही सिलेंडर 1100 और 1200 तक पहुंच गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया जाएगा और जो महंगाई, जो आटा दाल चीनी पेट्रोल डीजल, जो रोज़मर्रा सरसों का तेल, महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे बुजुर्गों को 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्टी सत्ता में आएगी तो 36 बिरादरी को साथ लेके सबके विकास के लिए नई नई योजना बनाई जाए। वहीं कांग्रेसी नेता मुकेश टुटेजा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वांचल प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत मुबारक। भाई संतोष शर्मा लंबे समय से मेरे साथ, मेरे भाइयों की तरह हम इकट्ठे राजनीति में, भाई बलबीर पाल शाह जी के कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और भाई संतोष शर्मा कांग्रेस का जुझारू नेता है, पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये पूर्वांचल समाज की सभी मांगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई सचिन कुंडू, दीपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी से रख के और कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो पूर्वांचल समाज के मान सम्मान के लिए पूरे कार्य करें और कांग्रेस 70 सीटों के साथ सरकार बनाएगी, निश्चित है, कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्वांचल सेल का जिले का प्रधान बनाए जाने पर संतोष शर्मा द्वारा कांग्रेस का धन्यवाद किया गया। समाज का अध्यक्ष बनाया है, मैं अपने पद का पूरा बढ़िया इस्तेमाल करूंगा और जिस तरह पिछली बार 99% वोट पूर्वांचल की बीजेपी को गई थी, इस बार 99% वोट बीजेपी को नहीं जाएगी, कांग्रेस पार्टी को जाएगी। घर घर से परिचित हूँ मैं, एक एक घर में जाके सभी पूर्वांचल के लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ूंगा और
ये साबित कर दूंगा कि विधायक पूर्वांचल वालों ने बनाया है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में महादेव कॉलोनी में पहुंचे सचिन कुंडू का जहां एक तरफ जोरदार स्वागत हुआ तो वहीं कॉलोनी वासियों ने पूर्वांचल समाज से जुड़े सभी लोगों ने इस बार सचिन कुंडू का समर्थन करने कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।